हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि मैं बड़ा सोच रही थी हमको वीडियो में लूँ कि ना लूँ, क्योंकि यूजली अगर हम वीडियोस में ऐसा कुछ लेते हैं तो ये कमेंट्स आते हैं कि इतना सा कुछ करते नहीं हो चैरिटी और दिखा देते हो। बट फिर मैंने ये सोचा कि देखो, एज एन इन्फ्लुएंसर आई बिलीव जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पहनते हैं, हम वो सब दिखाते हैं और उस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, यू नो, कि ये चीज़ अच्छी है तो ठीक है, हम भी कर लेते हैं। एंड ऑफकोर्स जो आपको हमारी लाइफ का पार्ट अच्छा लगता होगा वही आप इम्प्लीमेंट करते होगे, सब कुछ तो नहीं करते होगे। तो वैसे ही मुझे लगा जो आज हम करने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिए। सो अभी हमने क्या सोचा है फिलहाल कि हम ऑर्फनेज जाएंगे। एक्चुअली हमने भी नहीं सोचा, ये पूरा आइडिया रूबी का है और वो ऐसे जाते रहते हैं। तो आज लकीली मैं यहाँ थी तो मुझे मम्मी ने कहा कि नैना तू भी जाए इनके साथ, तो मुझे ज़बरदस्ती मम्मी ने इनके साथ भेज दिया और मुझे लगा अच्छा काम है तो जाना चाहिए। तो हम ऑर्फनेज जा रहे हैं। फिर मुझे ये लगा कि यू नो, जब ऐसा कुछ हम डालते हैं वीडियो में तो ऑफकोर्स कमेंट्स तो हर तरह की आते हैं। वैसे मुझे नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बट फिर भी ऐसा लगता है खुद को भी कि चलो कर रहे हैं। तो गुप्तदान नाम की भी चीज़ होती है, वैसे भी कर सकते हैं, बट मेरा कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा अलग था। मैंने ये सोचा है जब हर चीज़ के लिए हमको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, हमसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, अगर अच्छी बातों के लिए भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा और उसके बदले अगर उनको थोड़ा बुरा सुनना पड़ेगा तो चलेगा। सो चलो फटाफट से चलते हैं, रूबी वगैरह सब गाड़ी में बैठ के और मेरा ही वेट हो रहा है। यार मैं जैसे ही घर आई ना, मैं इतनी देर से अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ मम्मी कहाँ है मेरे कपड़े, कहाँ है मेरे कपड़े। मम्मी कहते हैं कि बेड पे पड़े हैं, और बेड पे ये टी शर्ट किसकी है? मेरी। मम्मी की टी शर्ट। मम्मी कहते बेड पे तो है तेरे कपड़े, अब बताओ। अब मम्मी ने मेरे कपड़े धोने के लिए डाल दिए जो गिन के दो कपड़े लेके आई थी, और अपने कपड़े वो धोने के लिए डाले। बताओ ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरे को लगा ना कि ये वाला है, ये मेरे को क्या लगा, मेरे को लगा जो तुमने पहने हुए ना, तो तुमने पहले भी था पहना हुआ, मैंने सोचा मेरे खोल के रखा है। मैं तो क्या करती है नानी, क्या रो रही थी भाई, तो एक तरफ से रो रही थी, मैंने फटाफट चक्के यहाँ से जो भी कपड़े थे शीट में डाल दिए, मैं तो खुद रह गई घाट में। क्या करना चाहिए मुझे, चलो दिखाओ अपनी कपड़े, अब तो आपके कपड़े पहनूंगी। पहले कब मना है, अभी ढाई से भी कम मना किया पहन लिया। सो आज एज पर प्लान कुछ भी नहीं हुआ, हमने सोचा था हम मॉल रोड जाएंगे, बट पापा को गाड़ी की सर्विस करानी थी तो वो चले गए थे गाड़ी की सर्विस के लिए और उनका पूरा दिन हो गया वहीं पर, बिकॉज वो गए भी लेट थे। हमने लंच के बाद का प्लान किया था कि वो जाएंगे सर्विस के लिए और मैं घर पे ही थोड़े बहुत काम करूंगा अपने, बट पापा वहां से फ्री नहीं हुए तो हम मॉल रोड नहीं गए। अभी रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 8 और पापा बस आने ही वाले हैं, और मैं पीछे क्या बना रहा हूँ, एक तो मतलब रेगुलर चीज बन रही है दाल, बट साथ में बन रही है सॉस। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी और पूछा था कि क्या बन रहा है, आप लोग गेस करो, तो सबको अलग अलग ही आंसर्स आए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा टोमेटो केचप खाता हूँ। तो मुझे लगा यार बाहर का टोमेटो केचप वैसे इतना प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इतना अनहेल्दी होता है, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा हेल्दी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, इसलिए आपको दिखाता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ। ये है मेरा केचप, अभी कंसिस्टेंसी थोड़ी अलग है, इसके बाद पकने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूंगा। आई एम सो एक्साइटेड कि कुछ बढ़िया बन के आए। क्या बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है, एकदम परफेक्ट। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, और इसको बनाने के पीछे का रीजन बताऊं आपको। कल मैंने सोचा कि सैंडविच खाएंगे, बट मेरे पास केचप खत्म था और मैं तालसी हो रहा था कि कौन बाजार से खरीदने जाए। ऑल्सो मैं बहुत टाइम सोचा था केचप खुद बनाएंगे, तो आज मुझे बढ़िया मौका भी मिल गया और रीजन भी मिल गया, तो ट्राई करता हूँ। भाई क्या मस्त बना है। गुड मॉर्निंग यार, आज सुबह सुबह से मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं यहाँ का तापमान कितना बढ़ने वाला है। और अच्छा है कि हम टाइम रहते घर वापस जा रहे हैं, और यहाँ पर ना शायद कुछ शादी लगी है इसलिए मैं बाहर बैल्कनी में आई थी कि देखती हूँ, मुझे दिख तो नहीं रहा, अगर दिखेगी तो आपको भी दिखाती हूँ। लगता है ऐसी रहेगी बिल्कुल साथ में, पर दिख कुछ नहीं रहा है, और अंदर जीवा या इधर में से कोई एक रोने लगी है, तो मैं अंदर जाके उसे ही देख लेती हूँ। अभी जो मैंने ये टी शर्ट पहना ना, एक्चुअली मुझे ये नहीं पहनना था, मैंने घर पे पहना था, बट जब मैंने देखा कि बच्चों को भी सेम कलर के कपड़े पहनाए तो मैंने चेंज ही नहीं किया। मम्मी बोलते रहे ना कुछ और पहन ले कुछ और पहन ले, बट मुझे ऐसा था बाई चांस बच्चों जैसा हो गया तो मैं चेंज नहीं करूँगी, है ना। सो आपको जैसे बताइए, मैंने अभी जो रुबी की लेटेस्ट मूवी आई है चल भट चलिए वो देखी, और उससे मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई कि मैंने अपने साथ साथ सबको ही भगा लिया। नहीं नहीं जोक्स अपार्ट,
अभी हम सब जा रहे हैं हिमाचल. वैसे हिमाचल से पहले इनके अपने प्लान से इधर उधर जाएंगे, बट उसके बाद बच्चे नानी घर भी आएंगे, जिसके लिए हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं. और अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे. और पहली बार ऐसा होएगा कि बच्चे इतनी लंबी फ्लाइट ले रहे हैं, 2-2.5 घंटे की है ना, 2.5 घंटा लग जाता है ना. तो 2.5 घंटे की फ़्लाइट होगी, उसके बाद देखते हैं बच्चों का कैसी हालत रहती है. बट आई एम श्योर ये जितने स्ट्रांग है ये अच्छे से आराम से हंसते खेलते पहुँच भी जाएंगे. आज तो ना कुछ अलग ही गर्मी है यहाँ पे, जितनी मतलब टांगों पे धूप पड़ रही है ऐसा लग रहा है कि टांगें जल रही. इतनी तेज़ धूप में थोड़ी देर बाहर भी खड़ी थी तो एकदम पसीना पसीना हो गया था. आने वाले टाइम में पता नहीं मुंबई का क्या हाल होने वाला है, बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ तो. सो अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बहुत सारा सामान है वापस एडजस्ट करने के लिए. जब तक हम ये सब कुछ करते तब तक आप देखो शिमला में रजत क्या कर रहा है. सो मैं सुबह से बस यही सब हो रहा था, कभी पैकिंग कभी कुछ. और मैं निकल रहा हूँ अभी चंडीगढ़, नैना वगैरह भी आ रहे हैं आज, लेकिन मेरे साथ पापा नहीं जा रहे हैं. पापा जा रहे हैं गांव, बिकॉज उनको गांव में थोड़ा बहुत काम है. तो अभी वो निकल चुके हैं गांव के लिए और मैं भी बस निकलने वाला हूँ. थोड़ा बहुत पैक कर रहा था और अपने लिए सैलेड बना रहा था. और आप सोच रहे होंगे कि मेरा केचप कैसा बना है जो मैं कल बना रहा था. वो एक्चुअली रात को अधूरा ही बना था, मैंने सुबह उसको जार में पैस्चराइज करके रखा है. बट अभी जो मैं सैलेड बना रहा हूँ वो एक्चुअली बहुत दिनों से हमने स्प्राउट्स रखे थे, मतलब 3-4 दिन से. तो स्प्राउट्स इतने ज़्यादा उसमें अंकुर आ चुका है तो मैंने सोचा आज उसको यूटिलाइज करते हैं और रास्ते में खाऊंगा. अभी ब्रेकफास्ट तो वैसे मैं कर चुका हूँ. तो ये केचप मैंने पेस्चराइज करके रख दिया था, बहुत ही बढ़िया बना है. साथ में मैंने टेस्टर पैक कर दिया है और इसका देखो कलर भी कितना बढ़िया और कंसिस्टेंसी भी एकदम केचप जैसा और रियल टमेटोज का. और ये मैंने साथ में पैक किया है, उनको भी टेस्ट कराऊंगा और जो ऑर्डर देना चाहेगा मैं ऑर्डर भी एक्सेप्ट करूंगा, मजाक कर रहा हूँ. और ये है गाजर, ये है खीरा वीरा और ये है स्प्राउट जिसकी मैं बात कर रहा था. इतने अंकुर आ चुके हैं इसमें. तो अभी इसको असेंबल करते हैं और मैं लेट भी हो रहा हूँ और रास्ते में खाऊंगा. ब्रेकफास्ट तो हो चुका था और अभी नैना से बात हुई थी तो एयरपोर्ट पहुंचे हैं. अब मेरे को निकलना पड़ेगा अदरवाइज मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि आज ट्रैफिक भी हो सकता है रास्ते में. तो अब मेरा सारा सामान पैक हो गया, बस अब निकलते हैं. बट उससे पहले एक्चुअली कल ना सामान आया था जो रूबी जी ने, उस टाइम जब हम चंडीगढ़ नहीं गए थे, रूबी जी प्रमोशंस के लिए आए थे तो उन्होंने ऑर्डर किया था थोड़ा बहुत सामान. उसकी डिलीवरी कल ही मैंने ली है तो वो सामान पापा के साथ जाएगा आज गाँव. तो पापा गए हैं अभी मार्केट, उन्होंने थोड़ा बहुत और सामान लेना और वो गाड़ी भी ला रहे जिसमें सामान लाएगा जिसमें सामान जाएगा. तो अभी सामान को बाहर रखते हैं, जैसे पापा आएंगे वो लोड करके ले जाएंगे. तो मैं भी निकलता हूँ. अब बोलो, मैंने अपने सेल्फी कैमरा ऑन कर दिया था दूसरी तरफ अपना वो दिखाने के लिए. नहीं ये नहीं हो सकता है, आप कहा तो मैं दिखाऊंगी क्योंकि पूरी लदी हुई है हमारे सामान से और हम बच्चों को लेके चले की ये तो हम ही उठाएंगे. I am their free photo today. यार अब रुबी का तो ऐसा है ना, इनको बच्चों के साथ रहना मिलेगा. अब हमको ऐसा है कि कम कम टाइम के लिए मिलेगा तो जब जब टाइम के लिए हमको रहना मिलेगा हाँ हम तब तक उठा लेते हैं इनको कि ये तो हम ही उठाएंगे. अब यहाँ पे ऐसा हो गया जो बच्चे नहीं उठा रहा है ना वो ज्यादा बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि हमको तो ऐसा है कि हमें तो उठाने आप देख लो आप बाद में उठा लेना. अभी एक बार फाइनल चेक्स हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं यार, बहुत सारी चीजें जिसका ध्यान रखना पड़ता है. ये देखो पिगोड़ा विपासना सेंटर दिख रहा है और यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है. थोड़ी देर में हम चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे और वहाँ हमें लेने के लिए रजत आया होगा. फाइनली मैं चंडीगढ़ के लिए निकल चुका हूँ शिमला से और नैना से बात हुई थी तो नैना वगैरह भी अभी फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं. तो बस वो भी जब को चंडीगढ़ पहुंचेंगे मैं भी पहुंच जाऊंगा. मेरा ये था कि यार थोड़ा जल्दी पहुंच के मैं कॉफी पी लेता चंडीगढ़ में, बट लेट्स सी अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा. और मौसम एकदम इतना बढ़िया है, बीच में थोड़े थोड़े से सफेद बादल है, बहुत ही बढ़िया है और इतनी बढ़िया धूप लगी है अभी. तो अब निकलते हैं, कहीं रास्ते में रुकूंगा नहीं और सीधा चंडीगढ़ मिलते हैं. A few moments later. तो मुझे अभी भूख लग गई, मैंने सोचा यार ताजा ताजा ही बनाया था खा ही लेते हैं और लंच टाइम भी हो रहा है तो सही टाइम है. यार ऐसा बहुत कम होता है कि नैना अकेले से कहीं गई हो और मैं साथ में नहीं हूँ. स्पेशली शादी के बाद तो ऐसा हुआ ही नहीं है एक भी बार कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ या वो अकेले ट्रैवल कर रही है, हम साथ ही जाते हैं.
तो अभी दो तीन दिन बाद हम मिलने वाले हैं, अभी काफी एक्साइटमेंट है। बेशक साथ में हम लड़ाई करते रहते हैं वो सब में होता है गेस, बट अब जैसे दो तीन दिन बाद मिलने वाले तो एक्साइटमेंट हो रही है थोड़ी मिलने की। और कल हमने रूबी दी की मूवी भी देखनी है तो वो भी एक एक्साइटमेंट है, और बच्चों से मिलने वाले तो भी, तो काफी चीजें हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट है। अब बस मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ और वो लोग भी लैंड करने ही वाले हैं, तो अब मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं हम अपने दोनों लड्डुओं के साथ और ये बहुत ज्यादा खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो अभी मैं चंडीगढ़ पहुंच चुका हूं, नैना की कॉल आई थी कि वो लैंड कर चुके हैं, बस अब एयरपोर्ट के बहुत पास हूं मैं, और पीछे से नैना के कजन्स भी आ रहे हैं, रोनी और उज्जवल वगैरह, तो बस मैं उन्हीं को देख रहा हूं, फिर हम साथ में जाएंगे और वो लोग भी निकलने वाले एयरपोर्ट से। वो आगे निकल गया रोनी भाई, मामा जी ने तो तगड़ी मैं देख रहा हूँ भाई पीछे से चमक रही है तो वाह बाकी लोग कहाँ हैं? अच्छा ये चलो फिर पहुंचने वाले हैं भाई, फुल पलटन है फुल वो पीछे से एक बार गाड़ी आ रही है। अच्छा मैं सोचूं कलर तो कोई और लग रहा है तो है, मैं तो यार मेरे को लगा था मैं लेट हो जाऊंगा पर टाइम से पहुंच गया और लकीली ट्रैफिक भी नहीं मिला इतना ज्यादा, तो वही उड़ गए क्या बात है भाई इसने कितने गुब्बारे लाए। सो एयरपोर्ट पहुंच गए हम, वो लोग भी पहुंच गए हैं और बाहर आ ही रहे हैं, बस हमको भी 2 मिनट लगेगा। क्या होगा, रोनी की गाड़ी को रोक लिया बिकॉज लाइट्स वाइट्स का थार का, वैसे ही पुलिस वाले छोड़ते नहीं है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, ओके से देख रही हूँ, वेलकम वेलकम। रोनी बेचारा गाड़ी डेकोरेट करके लाया था और पीछे पुलिस वाले ने जैसे ही एयरपोर्ट एंटर किया पुलिस वाले ने रोक लिया, बस अब वो बाहर वेट कर रहा है और रूबी को बिल्कुल आइडिया नहीं अभी, और बच्चों को तो वैसे ही पता नहीं है क्या हो रहा है। जीवा इधर का वेलकम हो रहा है बेसिकली, होगा वाह भाई एयरपोर्ट से बिना पैसे दिए निकलना भाई बहुत कम लकी लोग। और ओ ये है, कैसा लगा केचप? बंदी रुकी नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इतने खुद बनाया। तुम लग रही हो पेड एक्टर। मुझे भी बहुत, सबको बहुत पसंद आया सबको। मम्मी ने क्या पूछा? मम्मी पूछते है कहाँ से लाया, मैंने कहा बंदा पूछ रहे या सॉस पूछ रहे हो? मम्मी कहा बाहर का, कैसे डब्बी ऐसी है। अप्रूव हो गया ना? अप्रूव हो गया, बहुत ही बढ़िया बना, मतलब इसके आगे मैं बाहर का छोड़ सकती हूँ एक ही दम। इसका टेम्पर्ड ग्लास इतना बकवास है कुछ भी नहीं दिखता, लाइट ऑन करके भी कुछ नहीं दिखेगा, प्राइवेसी वाला है ना, मुझे किसी काम का नहीं। और इसे बिल्कुल प्राइवेसी नहीं चाहिए, मुझे ही नहीं दिखता। हाँ मेरी, जब मेरा जीवन खुली किताब है तो मेरा फोन भी ऐसे ही है। गेड़ी मारने आए हैं घर वालों को, घर पे छोड़ दो खुद आके। और सामान आया है जो रोज हमारा कनाडा में सामान रह गया था, गेड़ी का मेन रीजन यही था कि हमारा सामान जो कनाडा रह गया था वो बैग अभी आया, तो हम वो बैग लेने भी आए थे और मैंने कहा यार अभी तो घूमने फिरने के दिन है, चलते बाहर मौज करते। तो रजत ने अपनी फेवरेट आइसक्रीम ले ली और अपने अपनी फेवरेट ले, रजत की मैंगो यस। तुमने डबल स्कूप लिया? कमजोर होगी ना। ओए हम अपना कनाडा वाला सामान देखने आए और रोजदी ने सत्यश के पास क्या भेज रखा है? मासी माँ वेदा वेदा लव्स यू वाह। और ये हमारा एक बैग जा चुका है, दूसरा ये है जिसमें हमारे कपड़े ही कपड़े थे। ये हम घर जाके देखेंगे, चलो अभी सामान डालो नैना बस। So guys, आज का दिन भी हमारा बहुत लंबा रहा बट बहुत अच्छा था। और तुम सोने वाली, और पीछे देखो बिल्ली कैसे देख रही है। बिल्ली क्या है, कितना बड़ा है भाई। So, अभी फिलहाल हम सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, यार रात को आपको मैंने दिखाया था ना कि माँ को कनाडा से आया है डब्बा जो कि भेजा है मुझे मेरी प्यारी बेटी वेदा ने, और इसमें लिखा था कि हैप्पी एनिवर्सरी मासी माँ, मौसा का तो नाम ही नहीं था। मैं मासी माँ सिर्फ नहीं, वही वही सिर्फ मासी माँ ही लिखा, और इसमें मासी माँ के लिए प्यारा सा गिफ्ट भी था। एक्चुअली मुझे ऐसे ऐसे पर्स बड़े पसंद आते हैं, तो मेरे लिए ऐसा पर्स था और इसके अंदर
रोहिंदी ना मजाक मजाक में ऐसे कहती है कि मौसा नहीं बोली, ये फौसा जी का गिफ्ट भी इसमें आया है। और मैं बता दूं जो रोहिंदी ने गिफ्ट, और ये मौसा जी फौसा जी ऐसे नहीं है, ऐसे ही नहीं बना ये नाम। जब भी गुस्से में हो ना, मतलब जब मैं कुछ कुछ जैसे रोहिंदी ने मुझे काम बोला और मैं ना करूं, मैं बोलूं कि मैं नहीं कर रहा हूं, रोहिंदी बोली ये फौसा नहीं, ये फौसा है। तो मैं फौसा बन चुका हूं अब। तो फौसा जी के लिए आई है बेल्ट, और ये ना मतलब हम और रजत ना वैसी बात नहीं करते, मुझे ना बेल्ट लेनी है वैसा, तो वैसा बोला मैं बताऊं, जिस दिन हमने आना था ना उस दिन एक्चुअली मुझे ये बेल्ट लेने जाना था, बट उस दिन टाइम नहीं लगा और मैं ऐसे था कि यार रह गई बेल्ट, रोजी साथ को याद था और जा कर ले, याद रखा कि क्या हमारी चॉइसेस। और मुझे ना ऐसे छोटे छोटे पर्सेस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो, वैसे मेरे को पता ही है रोहिंदी का ऐसा है, वो ना हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखती है और फिर बाद में आपको उस पे ऐसा होगा और जब सामने होगी, और अगर हम उनको ऐसा बोलते नहीं आपने इतना किया तो ऐसे वो स्पेशल फील करना पसंद ही नहीं करते। बट मैंने भी ये व्हाइट सूट पहना था कि इसके साथ ये व्हाइट पर्स पहनूंगी मैं, पर मुझे लग रहा है इसके व्हाइट और इसके व्हाइट में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए चेंज कर लेती हूँ। वैसे तो ये सूट रुकदी का ही है, तो मैं सोच रही हूँ वापस दे देती हूँ उनको, कभी और पहनूंगी मैं। तो अभी मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि हम सुबह सुबह कहाँ के लिए रेडी हो रहे हैं, हम सब लोग अभी जा रहे हैं मूवी देख लेंगे, पूरा परिवार साथ में जा रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है ना यार, और सब इतना ज्यादा एक्साइटेड है, रुकदी की मूवी है, रुकदी की मूवी है, तो इसके लिए हम रेडी हो रहे थे। तो अब मैं सोच रही हूँ ये वाले कपड़े बदल के कुछ और पहनती हूँ और फटाफट से आपको थिएटर में ही मिलती हूँ। और पूरी फैमिली आज रुकदी की मूवी देखने आएगी, इनफैक्ट रुकदी के सास ससुर भी आए हैं, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि सबके साथ आज मूवी देखेंगे। वैसे तो मैं थोड़ी बहुत देख चुकी हूँ, बट सबके साथ देखने का अलग ही मजा है। थोड़ी बहुत क्या, आधी देखिए, क्योंकि बच्चों के लिए तुमको जल्दी वापस आना पड़ा था सबको उस टाइम। ये तो है ये बात, बट आज हम अपना काम फुल प्रूफ करके आए हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या थी, मुझे ये था कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने, मम्मी को देखो जरा क्या सूट पहन के आए, और मुझे वही पुराने कपड़े पहन। अरे मैं भी तो सेम कपड़े पहन के आया हूँ जो मैंने कल पहने थे, और जल्दी जल्दी में अच्छे से रेडी नहीं हो पाया, बट दैट्स ओके। तुम अच्छे से रेडी हो, तुम मत बोलो, ये चेंज नहीं किया है हमने। कहां से रेडी होना था, रात के 2-3 बजे तक सुलाएंगे जाते जब इकट्ठे होंगे। मम्मी मम्मी की बातें ही खत्म नहीं होती, हम क्या करें यहाँ। मम्मी की बातें करते रहेंगे, इतनी क्या खुशी आपको मूवी की। मम्मी तो लिपस्टिक लगाते नहीं है, तो मम्मी का असली कलर है। कुछ बंक मार के पहुंच चुके हैं। चलो जी, तो अभी सब फाइनली पहुंच चुके हैं और मूवी शुरू होने से पहले पहुंच गए, बड़ी बात ही है, इतना बड़ा ग्रुप वरना पहुंचना मुश्किल था। तो अभी हम जाते हैं, सब मूवी देख के आते हैं। होता पिंड गया होया। फाइनली मूवी देख ली यार, बहुत मजा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग मूवी है, आप भी जरूर देखना। तो यार जब से हम लोग मूवी देख कर आए हैं, सब लोग मूवी की डिस्कशंस कर रहे हैं, बिकॉज मूवी बहुत ही बढ़िया थी, हमने बहुत इंजॉय किया। और मैं आकर यहाँ बैठ गया था एडिट करने, और ये सब लोग बाहर गप्पे मार रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी और आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना यार, बहुत ही बढ़िया मूवी है। और हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।